ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फाइनली अभी सबको पता है इंडियन हिप हॉप सीन में क्या चल रहा है। एमिवे वर्सेस डिवाइन का बीफ चल रहा है, बीफ सीन। तो एज अ हिप हॉप फैन, एज अ हिप हॉप लिसनर, जो सबसे मेन, जो सबसे ताकतवर चीज जो रहती है बीफ सीन के पीछे, वो कौन रहती है? वो रहती है इंडियन ऑडियंस, जो दोनों पक्ष को सुनती है। एक बायस रहती है, कोई अनबायस रहते हैं। तो उस हिसाब से तो मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने कहा था कि पब्लिक ओपिनियन दो अपना तुम लोग का रिगार्डिंग द बीफ सीन गोइंग ऑन इन दिस हिप हॉप इंडस्ट्री, जो एमवी और डिवाइन का चला। सर बहुत सारे हैं, लाइक मैंने सोचा था 40 से 50 आएंगे, बट हद से ज्यादा आ गए। तो मैं लाइक रैंडमली स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करूंगा, स्क्रॉल करते करते पढ़ूंगा एंड अपना रिस्पॉन्स दूंगा मैं पढ़ के। एंड आप लोग भी कॉमेंट करके बताना कि आप लोग क्या सोचते हैं ये पढ़ के, जो लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। 15.5 के हो गए, फटफट सब्सक्राइब कर देना। क्या 16 के 20 के? ये कम्युनिटी टैब खुला, मैंने इसमें डाला था, 246 कॉमेंट्स है फिलहाल, अब देखते कितने पढ़ पाएंगे। ओके। सी ब्रो, व्हाट डिवाइन सेड वाज टोटली रॉन्ग। ही सेड ओनली विद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शोज आर्टिस्ट पावर। देन व्हाट अबाउट दिस अपकमिंग रैपर्स एंड सिंगर्स हु इज हसलिंग विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब? अगर यूट्यूब आर्टिस्ट को पहचान नहीं देते हैं तो इतने रैपर्स लोग यूट्यूब से क्यों फेमस हुए? फैक्ट ब्रो, एकदम सही बात बोली है। डिवाइन ने बोला था कि यार जो रियल आर्टिस्ट होते हैं उनकी पहचान स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से होती है, जो बिल्कुल गलत है। मैं उससे 1% भी अग्री नहीं करता हूं। ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है भाई कि तुम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू एज एन आर्टिस्ट दिख सकते हो। यूट्यूब सबसे लाइक अभी एक मेजर प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्री में आप अपने गाने डाल सकते हो और आपको पहचान मिल सकती है। तो भाई ये तो गलत है। डिवाइन नीड ऑलमोस्ट 8-10 मंथ्स टू दिस एमी वैन, एमी नीड्स 2-3 डेज। इट शोज द डिफरेंस, डिवाइन इज फार बिहाइंड, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। ये बहुत ही बायस्ड था। आई थिंक ऑल द ग्रेट आर्टिस्ट लाइक रागा, रफ्तार, कृष्णा, मुफाड, एमीवे, डिवाइन, इनको डिस छोड़कर कोलैब करना चाहिए। इससे हिप हॉप सीन बहुत जल्दी ग्रो करेगा। एकदम देव मानुष जी आए, बोले कि सबको कोलैब करना चाहिए ये सब छोड़ के। सही बात है, लेकिन हिप हॉप सीन मेरे हिसाब से कोलैब से ज्यादा तो बीफ सीन से बढ़ता है। मानते हो कि नहीं कॉमेंट करके बताओ। डिवाइन यूट्यूब पर कोई भी मचा सकता है। ऑल्सो डिवाइन नंबर वन इन ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, पब्लिक चाबी वाला बंदर एमीवे इस टाइम सही है। ओके अर्शद भाई, ये मैं एग्री करता हूँ। एमीवे लाइक अ टाइगर, ओ अकेला आएगा, उसका डिस आएगा, डिवाइन का डिस सुस्त हो जाएगा। अगेन बायस्ड ओपिनियन देने बोला था यार। डिवाइन इंडस्ट्री को लाया अंडरग्राउंड में, एमीवे इंडस्ट्री छोड़ अपन मार्केट से बढ़ाया। लाला फुल फ्लेक्स में, क्या फुल फ्लेक्स में? एमीवे का ग्रो देखकर, ओके ये ध्यान से पढ़ना है, एमीवे का ग्रो देखकर सबका फट गया, इसीलिए सब मिलकर अब उसके पीछे ही पड़ गए हैं। यार देखो, अगर आपको भी डेली डेली डिस करेगा तो आप भी कितने दिन शांत रहोगे? एमीवे इज ऑलवेज लव फैट ब्रो, ये बात तो है भाई। एक टाइम में पेशेंस लेवल तो सबकी हटती है क्या? एमीवे इज गोना विन दिस बीफ। मतलब भाई पहले ही अपना जजमेंट सुना देना भाई, कौन बीफ जीतेगा भाई? यार ये गलत बात है यार। मोदी फैंस नोन एज अंधभक्त, एमीवे फैंस आल्सो नोन एज, दैट्स ऑल। ऑलराइट ठीक है, एमीवे लव वन मैन आर्मी। बीफ शुड बी स्टॉप नाउ, एक और देव मानुस आए। बीफ शुड बी स्टॉप नाउ, अगर सब रैपर्स अपना अपना काम करे एंड क्या लिखा, जो बास ऑडियंस है टोकरी ठीक हो जाएगी, सब प्यार दे। ड्यूरिंग बीफ दो कॉर्नर से पब्लिक बढ़ जाती है और सामने वाले रैपर को हेट देते, सो बीफ शुड बी स्टॉप नाउ। फैक्ट ब्रो ये तो होता है, बीफ में हेट बहुत मिलता है कोई ना कोई साइड को। वंस अ लेजेंड सेड, मेरे पीछे पड़ी है पूरी सभा। ये आई थिंक डिवाइन इज अ टाइगर ऑफ अंडरग्राउंड हिप हॉप, नाइस। इस क्वारंटाइन में डिवाइन डिस चलाते हैं एंड बनता ही तो रेडी है, जब तक क्वारंटाइन खत्म नहीं होगा तब तक डिस चालू रहेगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एमीवे ने अपने लाइव में बोला था कि अगर मैं डिस करने पे आ गया तो लोग उल्टा लोटा लेके दौड़ भागेंगे, ये तो एमीवे के डिस के बाद ही पता चलेगा। ये बहुत ही लॉजिकल था, सही बात है। बहुत ज्यादा बीफ बीफ हो रहा है नल्ले रीजन से, ये वाला बीफ चालू हुआ। अब एमिनम एमजीके का बीफ हाँ उनके पर्सनल रीजन से, ये वही लिखा है भाई ने, चलो ठीक है। एमीवे वैसे डिवाइन तो मजा आएंगे, एंजॉय, सही बात है, एंजॉय करो यार, बीफ चल रहा है और क्या। बनता है जिसको शॉट चाहिए यहाँ पे भेज दे देंगे बटिस्टा बॉम्ब। कृष्णा मुझे एल्बम पे फोकस देना चाहिए। डिवाइन अब तू चाबी वाला बंदर, मैं समझा नहीं आ रही है क्या था, बहुत लेम था। अभी तक एमीवे की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, इसका मतलब कुछ धमाकेदार होने वाला है। हैशटैग बंटा की पब्लिक बोले तो तकलीफ। हाँ एमीवे की तरफ से अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन इसका दो मतलब हो सकता है, या तो फिर वो इग्नोर कर देगा जो अगर उसने किया, तो इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहूंगा एमीवे से। सीरियसली रिप्लाई तो करना बनता है। एमसी स्टैंड कहाँ है इस बीफ में? अरे यार कौन लोग है यार तुम लोग, किसके बारे में ओपिनियन देने बोलते हैं?
They weren't talking about doing 300 shows, bro. His company manager assigned him to do shows and he cannot reject them, even if he's tired as hell. Like, there is no point of bragging. If Emile had same level as Divine, label as Divine, they would have choose Emile just because he'll bring more money, views and audience. Fact, bro. Fact. सही बात है, जब आप लेबल से साइन रहते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, आपको शोज बोला है करना पड़ेगा, ऐसा सीन रहता है। और ये बहुत करेक्ट बोला है, फेमस होने का तो मेरे को डिस करो। एमयूए, एमयूए इज अ गुड आर्टिस्ट, एमयूए इज एन गुड आर्टिस्ट। भाई वॉवल के आगे एन लगता है, चलो वो छोड़ा। एमयूए इज एन गुड आर्टिस्ट, बट मेरे को डिवाइन रफ्तार अच्छे लगते हैं। ठीक है भाई, अपना अपना ओपिनियन है भाई। डिवाइन की 101% गलती है, उसको नीचे दिखाया बंटाई को। फैक्ट, बिल्कुल लाइव वीडियो में डिवाइन ने बोला था भाई। Anyways, GOAT, greatest of all time. Divine is also good, biased because I'm MVP fan. ये मुझे पता है, MVP के fans biased होते ही हैं. Waiting for MC Stan to talk about this beef now. He won't, bro. वो अभी तड़ी पार पे काम कर रहा है, उसके एल्बम आने वाला है। दोनों मेरे फेवरेट रैपर्स हैं, बट इस टाइम डिवाइन ने सामने से उंगली करी नहीं, तो एमवीए लास्ट दो सॉन्ग में कृष्णा एंड रफ्तार को ही सबलिमिनली डिस कर रहा था। डिवाइन को भी गुस्सा था इस बीफ में, डिवाइन ने भी ऑलमोस्ट एक दिन में डाल दिया रिपा चलो के। जैसे होना होता मैदान ये ट्रैक होता है, वहां जगा दिया आप दबा के। देखते हैं भाई, देखते भाई। मिंटा की स्टोरी देखो भाई, मिंटा की स्टोरीज देखी मैंने, मैं सारे रैपर्स की स्टोरी देख रहा हूँ, उसको भी मैं कवर करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। एमवीए अब शांत है, इसका मतलब आने वाले डिस में एमवीए डिवाइन को डिस करेगा, क्योंकि डिवाइन को सोचा कि एमवीए को डिस करके डिवाइन डिस एमवीए, क्योंकि उसको ईगो हर्ट हो गई जब एमवीए ने बोला 110 मिलियन स्ट्रीम सिर्फ मचाएंगे। डिवाइन अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा समझता है, मूवी बनी उस पे, तो उस पे मूवी नहीं बनी ब्रो, मूवी नेजी पे बनी है, उसमें बस उसके लाइफ का हल्का सा हिस्सा था। गेट योर फैक्ट स्ट्रेट ब्रो। नो ब्रो एमवीए फॉर नो ब्रो बेटिंग फॉर एमवीए रिप्लाई विद डिवाइन। ललोन खान बेटिंग, ललोन भाई बोल रहे हैं कि वो बेटिंग फॉर एमवीए रिप्लाई विद डिवाइन। मैन डिवाइन को एक साल लगे एमवीए को डिस करने भाई, भाई वो पुराने रीजन की वजह से नहीं कर रहा है लाला। फर्स्ट अब टीम में ये बट रही है, इन्हें लगे ट्रैक पे आ रही पटरी है, फिर वही गलती ना हो जाए लेने से पहले इनकी छतरी है। गाइस तुम लोग अभी भी किसी को जज मत करो, एक और गेम मालूम बहुत सही बोल रहे हैं, जज मत करो किसी को, पहले डिस तो आने तो फिर पता चलेगा कि कौन बेस्ट है। मालूम है ना पीस आउट, लास्ट में अपना बायस ने दिखा के चला गया पीस आउट, मालूम है ना। डिवाइन का एल्बम लॉन्च हो रहा है, लाइव स्ट्रीम में भी बोला था इस साल नया एल्बम आएगा हाइप क्रिएट करने के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आता यार कि जब भी ये बीफ वाले सीन होते हैं फिर उस टाइम पे क्या होता है, जब आप कोई अपना एल्बम निकालने वाले रहते हो, ईपी निकालने वाले रहते हो, नोटिस किया ये बात? लास्ट ईयर भी यही सीन हुआ था ना, चाली वाला बंदा इज ट्रेंडिंग बिकॉज डिवाइन इज अ लेजेंड एनीवे। चलो ठीक है बहुत सही। एनीवन नोटिस इन दिस सॉन्ग एट 204 द स्पेलिंग ऑफ क्वालिटी इज रिटन एज क्वालिटी। हाँ ये मैंने भी अभी नोटिस किया, हैशटैग गवार गैंग इसने लिखा है बंदे ने, मेरे को गाली मत देना। हाँ तो इसमें ऐसा था कि जो वीडियो में क्वालिटी की स्पेलिंग क्वालिटी लिखी थी, जिसका कुछ मतलब नहीं होता है। हैव एनीवन नोटिस एनीवे बंटा सॉन्ग आर्ट बिकॉज नंबर 31 ट्रेंडिंग जंप बैक डाउन नंबर 18। हाँ डिस किया ऐसे, ठीक है। Divine is equal to God of underground rap scene. Okay, Divine Bollywood को लाया, मैं underground MMA industry से बड़ा हूँ मैं। Okay, तूफान से पहले की शांति MMA. Let's see. भाई एक बार please react on Meme Machine Coca Gang. देखो भाई, Meme Machine ने जो गाना निकाला है ना, ऐसा सीन है कि भाई ये जो खोटे सिक्के आजू बाजू से बसते हैं ना, उन पे रिएक्ट करके मतलब नहीं है क्या। बीफ किसका चल रहा है, डिवाइन और एमवीए का, लड़ाई किसकी है, डिवाइन और एमवीए की। अरे भाई अगर तुम मेरे से लड़ाई करो तो मैं जवाब दूंगा ना कि मैं अपने वो छोटे छोटे अपने जो दोस्त रहेंगे उनको भेज दूंगा। भाई ऐसा सीन नहीं होता है, जब कर रहे हो ना तो फेस टू फेस मैन टू मैन करने का। आई वोंट रिएक्ट ऑन कोका गैंग बाय जो भी नाम है बंदे का, मीम मशीन। एमवीए रिप्लाई करेगा तब मजा आएगा गेम में क्या। कृष्णा की स्टोरी देख लो, फ्रांस एमवीए की फटने वाली है, फ्रांस। ओके 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 चलो, डिवाइन को और फेम चाहिए? नो, डिवाइन को और फेम नहीं चाहिए ब्रो, डिवाइन के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेम है। इफ एमवीए रिप्लाई डिवाइन देन इट कुड बी हिस्ट्री इन बीफ सीन बिकॉज बोथ आर टॉप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। सही बात है। डिवाइन इज अ गुड आर्टिस्ट बट एमवीए गॉट फ्लो प्लस लिरिक्स प्लस कैमरा अपीयरेंस। एमवीए का गेम कुछ अलग है, एमवीए ब्रूटल है बहुत ज्यादा। फैक्ट ब्रो, थोड़ा कम होना चाहिए पर इस बार दो करक रैपर्स के बीच में होगा तो मजा आएगा। चलो ठीक है, ये
भाई साहब बहुत सारे यार, मुझसे मत पूछ मैंने क्या बनाया, रियल हिप हॉप ओनली डिवाइन, ओके अच्छा ब्रो इट ऑल स्टार्टेड विद रफ्तार एंड एमवे एज वी ऑल नो मिसअंडरस्टैंड, फिर ये एक ट्रेंड बन गया किसी को फेमस हो जाओ डिस करके। हाँ सही बात है, ये तो एक ट्रेंड बन गया क्योंकि आपने देखा रहेगा एमवे को हद से ज्यादा लोगों ने डिस किया था रफ्तार और एमवे के बीच के टाइम में आजू बाजू वालों ने विदाउट एनी रीजन। तो ये तो भाई सही है, सही बात है। चलो यार अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बहुत सारे पढ़ लिया, अब ना मैं एक काम करता हूँ ऊपर जाता हूँ सबसे, अरे बाप रे इतने सारे पढ़ लिया मैंने, मैं इसमें न्यूएस्ट फर्स्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ अभी जो नए नए आए ना उसमें से पढ़ता हूँ। चलो बंटी की पब्लिक मतलब छोटी बुद्धि वाला सीन ये भी बात सही है भाई, मुझसे बस पूछ मैंने क्या बना रियल हिप हॉप डिवाइन। एमवे फैन इतना सीरियस, एमवे फैन इतना क्यों सीरियस हो रहे हो बीसी लोग, इट्स जस्ट अ दिस गेम क्वारंटाइन स्पेशल, दे आर जस्ट डूइंग टू एंटरटेन यू गाइस, तुम जैसे लोग की वजह से एमवे झाड़ पे चढ़ते हो और बाकी रैपर एमवे को झाड़ पे सही बात है यार, मेन प्रॉब्लम एमवे के फैंस के साथ है, एमवे के फैंस बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं काफी सारे, नॉट ऑल फैंस, कुछ फैंस, क्योंकि मैं भी एमवे का फैन हूँ। मम्मी ने कहा बीफ नहीं करना भाई, एमवे तो टट्टी है, नो एमवे टट्टी नहीं है भाई, एमवे टट्टी नहीं है भाई। कब आ रहा वीडियो आपका भाई, आज शाम को क्या? रफ्तार और दीवानी क्रेडिट लिस्ट में रैप पे सबसे लंबी होती है, हैव एनीवन नोटिस भाई साहब, चालू वाला बंदा इज ट्रेंडिंग बिकॉज डिवाइन इज अ लेजेंड एनीवे, ये बात तो है, डिवाइन का एक गाना बहुत समय बाद जो प्रॉपर ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे 2 पे चल रहा है, 1 या 2 पे, क्यों? क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्ट है, किसके लिए? एनीवे बंटाई के लिए भाई, बैक पे ब्रो। 90% ऑफ पीपल इन कॉमेंट्स आर नॉट इवन फ्रॉम मुंबई एंड दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द मुंबई हिप हॉप सीन, LMAO, दैट्स व्हाट आई एम फकिंग सो ऑफ, एनीवे कॉल्ड हिमसेल्फ बीफ रैपर एंड सेड दैट इज द ओनली वन रिप्रेजेंटिंग इंडिया, वेल रैपर्स दिस इज मंडे एंड टोड यू भाई, इसने पूरा एक्सप्लेन किया भाई, देखो मैंने यहां पे स्टॉप कर दिया, पॉज करके पढ़ लेना, सही है भाई, आप लोग अब समझ सकते कि पब्लिक ओपिनियन कैसा चलता है, बहुत बायस चलता है, बहुत ही इलॉजिकल चलता है पब्लिक ओपिनियन, हद से ज्यादा इलॉजिकल चलता है। एंड मैंने जितने भी पढ़े फिलहाल उसमें से ज्यादा सपोर्ट वाले एमवे के लिए थे, जो मैं मानता हूँ कुछ हद तक सही है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन ने ही पोक किया था अपने एक लाइव स्ट्रीम में, जो उसका कहना है कि तेरे लिए नहीं था, ऐसा नहीं होता ब्रो, बोलने का ना तो सीधा बोलने का क्या, तो सबको पता है डिवाइन ने किसको किया था पोक, एमवे को पसंद नहीं आया, एमवे ने रिप्लाई कर दिया एक सबलिमिनल डिस में अपने स्ट्रीम्स को लेके, उसके बाद डिवाइन ने प्रॉपर डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। अब एमवे रिप्लाई करेगा कि नहीं आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, मेरे को एक और बात बताना कि मैं रैपर्स रिस्पॉन्स ऑन दिस बीफ सीन पे ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, एनालिसिस ऑफ T.7 लाइफस्टाइल ऑन दिस करंट बीफ सीन इन हिप हॉप इंडस्ट्री उस पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ऑल्सो Why people hate MEVA एक उस पर, और एक और, अरे यार इतने सारे कॉन्टेंट है बता नहीं सकता, लाइक बहुत ज्यादा मजे आने वाले, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पब्लिक ओपिनियन से मोस्टली मेरे को यही लग रहा है कि जब ये बीफ स्टार्ट होगा दो पार्ट में पब्लिक बटेगी, MEVA डिवाइन, डिवाइन वाली जो पब्लिक रहेगी वो थोड़ी सी काम टाइप होती है ना, शांत टाइप, उस टाइप की रहेगी, MEVA की जो पब्लिक रहेगी ना एकदम पागल रहेगी, पागल पागल बोले तो कि भाई गाली गलोच कट्टर फैंस, एकदम कट्टर फैंस होते हैं ना कि भाई फाड़ देना है भाई तूने बोला कैसे, इस टाइप के फैंस है एमवे के। एंड मेरी काफी बड़े रैपर से भी बात हुई थी, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो मेरी जो उनसे बात हुई थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि उनका जो प्रॉब्लम है जितने भी है उनका ये प्रॉब्लम एमवे के साथ नहीं है, एमवे के जो टॉक्सिक फैंस है ना जो एमवे को चढ़ा रहे हैं, और एमवे चढ़ भी रहा है, और एमवे चढ़ रहा है इन द सेंस कि भाई वो हवा में उड़ने वाली बात हो गई, उस चीज से उन लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और हिप हॉप को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है एमवे, ऐसा उनका कहना है, मेरा कुछ कहना नहीं है, मेरा जो कहना रहेगा वो मैं एनालिसिस में बताऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अगर आपको वीडियो पसंद आया गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड जाते आते वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं कि कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।